नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बलबीर सिंह श्याम और आज फिर हाजिर हूं आपके लिए एक नई वीडियो लेके। और आज की वीडियो मैंने जम्मू के ऊपर ही बनाई हुई है। जम्मू में एक बहुत अच्छी चीज़ जो इन दिनों शुरू हुई है, अभी जस्ट एक दो दिन पहले, गंडोले के बारे में आपने सुना होगा। लोग गंडोले का नाम लेते हैं तो लोगों को हरिद्वार ज़्यादा आता है, क्योंकि लोग हरिद्वार जाते थे तो वहाँ पर गंडोले से वहाँ पर दर्शन करने के लिए ऊपर जाना पड़ता था मंदिर में। तो गंडोला हमारे जम्मू में पहले भी लगा हुआ था, मतलब जम्मू से अलग डिस्ट्रिक्ट में है। जैसे पत्नीटॉप में गंडोला शुरू हो चुका है, जैसे गुलमार्ग में गंडोला है, बहुत ऐसी छोटी छोटी जगह पे है जहाँ पे गंडोला का आविष्कार स्टार्ट किया गया हुआ है। लेकिन जम्मू में पहले साल ही ये चीज़ शुरू होने वाली थी, लेकिन कुछ हादसे के कारण ये चीज़ डाल दी गई थी, तो उसके द्वारा शनाख्त हो रही थी, तो अब ये पूरे तरीके से ठीक हो गया है। तो अब जम्मू में गंडोले की तैयारी हो चुकी है और गंडोला चलने शुरू हो गया है। पहले सैटरडे से गंडोला जम्मू में चल रहा है, तो उसके लिए ऊपर ही मैंने आज वीडियो बनाई हुई है कि ये गंडोला कहाँ से चलता है, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ये ख़त्म होता है और कितना एरिया है, उसके बारे में वीडियो बनाई हुई है। तो मैं आज उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मेरे साथ आपको गंडोले के बारे में पूरा बताते हैं। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पीरखू वाला जो गंडोले का स्टेशन बनाया हुआ है, ये देखिए, ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है और कितने अच्छे तरीके से जहाँ पे पार्क वगैरह और सारी फैसिलिटी वगैरह बनाई गई हैं, आप देखिए। और आप जहाँ पे आइए और जहाँ पे आके एंजॉय करिए। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखो कितना बड़ा शेड बनाया हुआ है और इसके अंदर सारा सिस्टम बताया गया है कि कैसे उतरना है, कहाँ सारी मशीनरी वगैरह यही इसी के अंदर है। और ये मैं आपको रोप वाला सिस्टम दिखा रहा हूँ, ये देखिए रोप जो लगी हुई है और ये तवी से क्रॉसिंग करते हुए पिलर बना के स्टैंडिंग में ये जहाँ से क्रॉस करके सामने आप देख सकते हैं कितने पिलर्स के बीच, तवी के बीच में से करते हुए ये मोह माया माता मंदिर है जो उसके पास में जो पार्क है उस जंगल को क्रॉस करके वहाँ पे भी दूसरा स्टेशन बनाया गया है। तो ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पुरखू वाला जो स्टेशन है, ये ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ रोड से। तो मैं अब आपको नीचे लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ नीचे अंदर का सारा व्यू और ये क्या है क्या नहीं। ये देखिए, हम आ गए हैं पुरखू रोप वे पे और ये है जो अंदर पार्क वगैरह में ऊपर से आपको दिखा रहा था, ये जो स्टेशन बना हुआ है, ये देखिए आप, जहाँ पे सारी फैसिलिटी पूरे तरीके से तैयार होगा, टिकटिंग सिस्टम वगैरह बताया गया है। और ये देखिए गंडोला जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरे तरीके से रेडी है और ये तैयार है, चल भी रहा है, इसकी तैयारी हो चुकी है, टेस्टिंग हो रही है और अब ये टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद ये शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, बड़ी प्यारी चीज़ बनाई गई है, ध्यान से देखिए। ये सारा टिकटिंग सेंटर है जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टिकटिंग सेंटर है। तो ये जहाँ पे सारा व्यू आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी अच्छी रोड बनाई गई है, पार्क वगैरह की रोड बनाई गई है, आने जाने के लिए आपको पार्क में आप इंजॉय भी कर सकते हैं। और ये देखिए, ये गंडोला जाते हुए इस तरीके से ही जाएंगे आप बैठ के, कभी इस पर आप जब मजा करने आएंगे तो ये देखो, ये पूरे तरीके से चल पड़ा है। ये जम्मू में गंडोला रेडी हो चुका है और इसकी टेस्टिंग वगैरह हो चुकी है, तो अब आप इसका इंजॉय करेंगे, मज़े करेंगे इसके लिए। तो जम्मू सिटी को और पास से देखने का, ऊपर से देखने का, जम्मू तवी को पास से देखने का आपका जो सपना है वो भी पूरा हो जाएगा। और ये देखिए, मैं आपको जहाँ दिखाता हूँ इसके अंदर जाके, ये देखिए, जब अच्छे से देख लीजिए, ये जहाँ से घूमते हुए जो अंदर ऑफिस वगैरह का सारा सिस्टम बताया गया, वेटिंग सेंटर वगैरह, और जहाँ से ये आएगा, एक साइड से आएगा और दूसरी साइड से ये जाएगा, इसके बारे में पूरा बताया गया है। जहाँ पे आप उतर सकते हैं या चढ़ भी सकते हैं, जो दोनों फैसिलिटी जहाँ पे आपको प्रोवाइड होंगी, एक तरफ अगर उधर से आना है तो आप जहाँ पे उतर भी सकते हैं और जहाँ से जाना तो आप जहाँ पे जहाँ से चढ़ भी सकते हैं। और ये देखिए, अब मैं थोड़ा सा रोड के बारे में आपको बताता हूँ, जो इसकी रूट है, जो रोप सिस्टम बताया गया है उसके ऊपर मैं सारा बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये जो रोप होती हैं, यही से ये आता है और ये आगे वो सामने आप देख लीजिए। ये देखिए, ये पूरा स्टेशन का व्यू बता रहा हूँ मैं आपको, कितनी कैसे मशीनरी वगैरह चलती हैं। और ये जहाँ से कोई लगभग
सीधे अगर जाना जाए तो 2 किलोमीटर 2.5-3 किलोमीटर से लंबा होगा ये सारा सिस्टम, जिसपे आप फुली एंजॉय करेंगे। ये जो रो पिलर्स हैं ये आप देख सकते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं है, और ये बनके पूरे तरीके से रेडी हो चुका है, पूरी ट्रायल हो चुकी है और ट्रायलें की जा रही हैं। तो जल्दी ये स्टार्ट होने वाला है और आप आइए कभी जम्मू में और लुत्फ़ उठाइए इस चीज़ का, क्योंकि जम्मू में एक ये नई चीज़ है। पहले हमें इनके लिए बाहर जाना पड़ता था। जी देखिए, मैं आपको ऊपर मुँह बावे वाली साइड से लेके जा रहा हूँ, ऊपर बाईपास रोड से नीचे जाते हुए, जहाँ पे रोप स्टेशन का मैं पूरा सिस्टम बताऊँगा आपको। जहाँ पे इस चौक में आगे जाके रोप स्टेशन है, आप जहाँ कभी आएँ तो ऊपर से भी आ सकते हैं, नीचे से बावे वाली साइड से भी आ सकते हैं। तो ये देखिए, ये रोप का स्टेशन ये है जहाँ से ऊपर जाया जाता है, और ये जो जहाँ पे जो स्टेशन बना हुआ है देखिए आप, ये रोड वगैरह पूरा रेडी किया बनाया गया है। ये रोप जा रही है जो मू माया माता सामने टेंपल है वहाँ पे क्रॉसिंग बनाई गई है, वहाँ पे भी स्टॉप बनाया गया है। अगर आप आएंगे तो आपको सब पता लगेगा। ये भी वहाँ पे स्टेशन में आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जंगल के बीच में से ऊपर, जहाँ पे एक बहुत खूबसूरत पार्क है, बड़े लोग अनदेखे हैं चीज़ से, आप इस पार्क का भी मज़ा लेंगे अब, जो बड़े पहले से बन जहाँ पे मौजूद थी लेकिन कभी उसकी देख रेख नहीं हुई। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देखिए जो रोप का ऊपर स्टेशन, मैं अंदर जाके भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए जहाँ पे बोट्स वगैरह, और जहाँ पे काफ़ी सारी मेहनत की गई है, जहाँ की दीवारें आप देखिए बहुत अच्छी पेंटिंग्स वगैरह जो जहाँ पे बनाई गई हैं, बहुत खूबसूरत पेंटिंग के साथ इस जगह को निखारा गया है। जम्मू का जो कल्चर है, टेम्पल्स हैं, वो उसकी पेंटिंग वगैरह जहाँ पर बनाई गई हैं, कभी आएँ तो आप ज़रूर देखिएगा जहाँ पर। तो अभी आपको मैं ये दिखाता हूँ, जो मू माया माता वाला जो पहाड़ है, जहाँ पे जम्मू सिटी पूरी दिखाई देती है, काफ़ी हाइट से ये सारा दृश्य है। ये देखिए आप, अब मैं ऊपर ला आपको ऊपर लेके चलता हूँ स्टेशन में, जहाँ से आप देखिए, ये देखिए ये जो स्टेशन है, ये जो बावे वाला स्टेशन है, जो वो बनाया गया है, इसको आप जहाँ से देखिए, जहाँ से रोप सीधे सामने जाएंगी, और ये पूरी गंडोला वगैरह पूरे तरीके से रेडी है, ये मशीन्स वगैरह पूरी फिर फिटिंग हो चुकी है, पूरी तरीके से तैयार है। तो आप इसे इंजॉय कर सकते हैं किसी टाइम भी आके। तो ये देख लीजिए एक बार फिर, देखिए कितने जंगल के बीच में से ये क्रॉसिंग करके, कितनी कटिंग वगैरह करके, खूब मेहनत करके इसको बनाया गया है। तो ये सब आपकी सेवा के लिए ही है, पहले आपको बाहर जाना पड़ता था। ये देखिए स्टेशन, जहाँ पे भी बड़ी मेहनत की गई है, बहुत अच्छा स्टेशन बनाया गया है, जहाँ से छोटी पार्कें वगैरह बनाई गई हैं, आप सारा व्यू देख सकते हैं आगे पीछे वाला। देखिए आगे का व्यू पूरा देखिए, ये देखिए जो पार्क वगैरह और ये ऑफिस वगैरह बनाए गए हैं, जहाँ फन किड्स बच्चों के लिए भी किड्स जोन बनाई गई है, रेस्टोरेंट सिस्टम है, आप जहाँ खाना खुना जहाँ कुछ भी फास्ट फूड वगैरह जो भी है खा सकते हैं, अपने रेस्टोरेंट में मज़ा ले सकते हैं खाने पीने का। और बच्चों के लिए खेलने कूदने का भी सिस्टम रखा गया है कि बच्चों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि काफ़ी वेटिंग में भी रहता है कई बार सिस्टम, काफ़ी रश होने के कारण। तो ये देखिए जहाँ पर इस जगह को काफ़ी मेहनत से काफ़ी पैसा खर्चा गया है इसके ऊपर, तो ये इंजॉय करने के लिए बिल्कुल रेडी है। जो देखिए मू माया माता की जय हो, ये देखिए मू माया माता टेम्पल आप जाते होंगे, ये जंगल के बीच में ही है, और इसके साथ में ही नीचे पार्क है, बहुत खूबसूरत पार्क है, जो बड़ी पुरानी पार्क है, बड़े कम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो इस पार्क के अभी सही उपयोग होगा, ये जो रोप वे है इसी के जहाँ पर बनाया गया है। और ये देखिए जम्मू सिटी आपको दिखा रहा हूँ मैं, जहाँ से पूरी जम्मू सिटी दिखती है, और वो नीचे जो स्टेशन दिख रहा है आपको, मैं दिखा रहा हूँ आपको, वहाँ पे नीचे दिखाई देगा, वो लोग दिखाई देगा पूरे तरीके से। तो मज़ा जम्मू सिटी का नज़ा लीजिए, महल दिख रहा है जो मुबारक मंडी वाला महल है ये, तो पूरा मज़ा ले सकते हैं आप इस चीज़ का। तो जब मैं जहाँ का थोड़ी सी पार्क वगैरह दिखाता हूँ आपको, ये देखिए जहाँ पर आपको जम्मू टीवी तभी दिखाई दे रही है, और आपको जो ट्रेन का पुल भी दिखाई दे रहा होगा, जो उधमपुर रास्ता जाता है, नीचे रोड दिखाई दे रही है। ये देखिए ट्रेन पुल मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, ये ट्रेन का पुल है जो जम्मू से उधमपुर जाने वाली ट्रेन है, ये टनल है नीचे बावे माता के नीचे जो टनल है क्रॉस करके, सेकेंड टनल है सामने, और ये जो रोड है जो सीधे मंदिर में जाती है, बावे मंदिर में, और आप रोड देख रहे हैं, आप बावे वाला जो किला है वो देख रहे हैं। तो ये सारा आपको जहाँ से बहुत अच्छा दृश्य दिखेगा पूरे जम्मू का,
पहाड़ हैं एक तरफ सिटी है, बावे माता है, तो आपको किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं है। आइए और पूरा लुत्फ उठाइए इस चीज़ का, पूरा मज़ा लीजिए। हरी भरी जंगलों के बीच में ये एरिया है, बिल्कुल सिटी से काफ़ी अच्छे टेम्परेचर में ये एरिया है। तो ये है ये जो स्टेशन है, ये जहाँ पे जो बनाया गया है, देखिए बड़ा खूबसूरत, काफ़ी पैसा खर्च के, काफ़ी मशीनें वगैरह, बारह फैसिलिटी वगैरह, जहाँ पे ये देखिए जहाँ पे पूरा ट्रायल हो चुका है और ये पूरे तरीके से रेडी है। आप आएँ और इसको इंजॉय करें। अगर बाहर रहते हैं तो ज़रूर आएँ, आउट ऑफ सिटी रहते हैं तो भी आएँ, गाँव में रहते हैं तो भी आएँ। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी दोस्तों वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की आपको जानकारी देने के लिए। तो बाकी आप अगर जम्मू के रहने वाले हैं तो आप वहाँ पे जाके इंजॉय करिए झूले को। गवर्नमेंट ने ये लागू कर दिया, स्टार्ट कर दिया हमारे लिए। तो अगर आप जम्मू से थोड़ा बाहर रहते हैं, अगर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है या जम्मू से बाहर हैं, तो कृपया आएँ और जम्मू में आके लुत्फ उठाएं झूले का। जम्मू में रोप गंडोला शुरू हो चुका है, तो आप इसका मज़ा लीजिए। तो यही थी आज की वीडियो, जिसके ऊपर मैंने थोड़ा सा काम किया था जो आपके लिए मैंने डाली है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर मेरा आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके इसको आगे शेयर करें, लाइक कमेंट करें, ताकि और लोगों को पता लगे, तो शेयर जरूर करिएगा। तो यही थी आज की वीडियो, तो इसके साथ ही मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय टुगर।